सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम को फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मामले की जानकारी एसएसपी जयंतकांत ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि अहियापुर थाना क्षेत्र में लूट की योजना बनाते 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 देशी कट्टा, 9 राउंड जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर मोतीपुर, कांटी, बरुराज और मीनापुर थाना में कई कांड दर्ज है। वहीं उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर जिला के गयाघाट थाना क्षेत्र में बीते 17 नवंबर को तकरीबन 12 लाख रुपए की पिकअप पर लदे घी कंटेनर सहित पिकअप लूटकांड मामले में पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। उन्होंने बताया कि विशेष पुलिस टीम ने इस मामले में 3 अपराधियों को धर दबोचा है। बताया गया कि इस लूटकांड में 9 अपराधी शामिल थे। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने लूटी गई पिकअप, घी का कंटेनर, 1 मैगजीन लोडेड गोली व 1 अपाची बाइक को जब्त किया है। सिटीएसपी मुजफ्फरपुर और स्पेशल टीम डीएसपी टाउन और एएसपी ईस्ट को सूचना मिली विभिन्न केसेस में, जिसमें कुछ अपराधी लूट की योजना के लिए क्षेत्र में इकट्ठा हुए थे अहियापुर थाना क्षेत्र में। पुलिस ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर रेड की। रेड के दौरान 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 4 देसी कट्टे, 9 राउंड गोलियां और बाइक बरामद हुई। और इन्होंने कुल अभी तक के मुजफ्फरपुर में लगभग सरैया क्षेत्र में 3 केसेस में और अन्य स्थानों में हुए कुछ केसेस में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस अभी इनका इंट्रोगेशन कर रही है, जिससे आगे कुछ अन्य केसेस में भी पुलिस को खुलासा हो सकता है। इसके अलावा गायघाट थाना क्षेत्र मुजफ्फरपुर में कुछ अपराधियों ने एक पिकअप वैन को लूट लिया था, जिसमें लगभग 12 लाख रुपए का सामान लूट था। गायघाट थाना, कजरा थाना और एएसपी ईस्ट की टीम ने जाकर के कई जगहों पर रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया तथा इनके पास से लूटी गई पिकअप एवं 12 लाख रुपए का जो सामान था उसे बरामद कर लिया गया। इस प्रकार पुलिस को 2 स्थानों में सफलता।